Brought to you by Khata Book. इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हा? कैसे भाई? खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इसी। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती कटनी पहुंची। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों पर बात की। उन्होंने कहा कि किसान अपनी बात कह रहा है, लेकिन किसान को अपनी बात ऐसी करनी है कि कोई परेशान न हो। अगर चार किसान भी पहुंच जाएंगे तो मोदी और अमित शाह की समझ में बात आ जानी है। किसान अपनी बात कह रहा है, लेकिन किसान को अपनी बात ऐसे कहनी है कि कोई भी परेशान न हो। चार किसान भी पहुंच जाएंगे ना तो मोदी और अमित शाह की समझ में बात आ जानी है, क्योंकि वो समझते हैं समस्याओं को। नहीं समझते हैं ऐसा तो है ही नहीं। शांति से बात करनी। और एक बात और तय रहे, क्योंकि मैं किसान आंदोलन में एक दो बार समर्थन की भैंसला का की थी, एक बार और टिकैत साहब का भी की थी। छोटी थी मैं, लेकिन किसान की बेटी तो थी, कि सबको एक रहना। ये जो आपस में वो भी झगड़ा कर लेते हैं, फूट पड़ जाती है, उससे भी बात बन नहीं पाती। एक रहें और शांति से अपनी बात कहें, और एक बार सरकार से शांति से बात करें, और सरकार को भी तो एक मौका दें कि सरकार उनकी बात सुने, और फिर उसके बाद में आगे की। ठीक कह रही है सरकार, किसान तो सबको खिला रहा है, अन्नदाता है, वो किसी को कष्ट ना दे। और बिना कष्ट दिए अगर सरकार उनकी बात सुनने को तैयार है तो कष्ट देने की ज़रूरत भी नहीं है। सरकार का आग्रह और निमंत्रण बिल्कुल ठीक है। मैं भी किसानों को यही अपील करूँगी। मैं तो सच्ची में किसान की बेटी हूँ। कई लोग तो खेत झाँके भी नहीं होते, कह देते हैं हम किसान के परिवार के हैं। मैं तो हूँ ही किसान के परिवार के। आपको बता दें, कृषि कानून के खिलाफ किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र के कृषि बिलों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का पांचवा दिन है, लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। कटनी से अमर तामकार की रिपोर्ट, एमपी तक।